हाय फ्रेंड्स, आई एम बीजे। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अगेन स्टेशनरी हॉल। और जैसे कि ये शॉप है मेरे नियर बाय होम, तो बस वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें खरीदी है स्टेशनरी की। लेकिन जैसे कि मैं क्रॉफर्ड मार्केट से हर एक चीज़ खरीदती हूँ लाइक स्टेशनरी में, तो यहाँ पे उस हिसाब से थोड़ी कॉस्टली है। लेकिन जो स्टिकर्स मैंने खरीदे थे वो एज़ इट इज़ सेम है। कुछ मैंने डीमार्ट से स्टिकर्स खरीदे, डीमार्ट में भी नए कलेक्शन आए स्टिकर्स के, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं डीमार्ट में और स्टिकर्स खरीद सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैंने कौन से स्टिकर्स खरीदे हैं। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने डीमार्ट से ये स्टिकर्स खरीदे हैं, लाइक पफी स्टिकर्स है ये, और ये मैंने 29 रुपीज़ में ख़रीदे थे डीमार्ट से। और ये कुछ आप प्लानर्स में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, पर्स पे लगा सकते हैं, मोबाइल पे लगा सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि किस तरह से लगाना है आपको। और ये कुछ पफी स्टिकर्स है, आइए ओपन करके देखते हैं कैसे है। तो ये कुछ इस तरह से है। वाह, इट्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लाइक ट्रैवल बैग्स के दिए हुए हैं, यूनिकॉर्न्स दिए हुए हैं, डायमंड्स के, मतलब सब मल्टी एकदम मिक्सिंग है। मुझे बहुत अच्छे लगे, ये मैंने डीमार्ट से ख़रीदे हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर्स आए हैं। तो फ़िलहाल मुझे प्लानर के लिए ये स्टिकर्स चाहिए थे, इसलिए मैंने बाय किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट मैंने जो अदर मेरे मतलब घर के पास जो शॉप है वहाँ से क्या बाय किया। लेट्स सी। तो नेक्स्ट मैंने ये स्टिकर ख़रीदे हैं और ये काफ़ी क्यूट है, लाइक मतलब एकदम से रेमबोज और पैराशूट्स दिए हुए, तो आई लव दिस। मैं स्पेशली ये रेमबो स्टिकर्स के लिए मैंने लिए थे, कुछ बलून इफ़ेक्ट्स भी है। तो ये छोटे छोटे स्टिकर ना प्लानर के लिए काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए, सो आई रियली लव इट। और ये कुछ पेपर्स पे मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये दो शीट लिए बिकॉज आई लव रेमबो, तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट दिखेगा एंड इट्स रियली नाइस। और इसकी प्राइस है ओनली 25 है, लेकिन उन्होंने मुझे ये 20 रुपीज़ में दिया है। और वहाँ पे पूरी मतलब सब स्टेशनरी की ही शॉप है। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है इस वीडियो के लिए मतलब शॉप के लिए, तो मैं डेफिनेटली आपको उस शॉप का वीडियो बताऊँगी। और नेक्स्ट मैंने स्टिकर बाय किया वो है ये कुछ केक का स्टिकर्स है, मतलब पेस्ट्रीज़ वगैरह, और ये भी मैंने 20 रुपीज़ में बाय किया है और इसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है प्लानर में। तो अगर आप आपके प्लानर में बर्थडेज़ लिखते हैं तो उसके साइड में अगर आप इसे स्टिकर्स लगाते हैं तो इट बहुत ही फन लगता है, मतलब हमारा प्लानर काफ़ी क्यूट भी दिखता है। मैं ज़रूर अपने प्लानर में आपको बताऊँगी कि इसे किस तरह से मैं इन स्टिकर्स को यूज़ करती हूँ। तो ये भी शायद 25 लिखा होगा पर मुझे 20 रुपीज़ में मिला है। एंड द नेक्स्ट इज स्टिकर्स एज इट इज़ सेम, मैंने फिर से एक पेस्ट्री का अलग लुक लगा मुझे ये, जिसमें टॉफीज़ है और कुछ पेस्ट्रीज़ है अलग अलग टाइप की, तो डोनट्स है, फ्लावर्स है, हार्ट्स है, तो ये भी स्टिकर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी एज इट इज़ 20 रुपीज़ में है। एंड द नेक्स्ट मैंने कुछ नंबर स्टिकर्स लिए हैं बिकॉज़ अभी बर्थडेज आते हैं, तो फ्लैग स्टिकर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स में है नंबर्स, सो आई रियली लाइक इट। और ये कुछ इस तरह से इफेक्ट देता है, इट्स डू इट। और ये भी एज इट इज़ 20 रुपीज़ में है, सो आई लव इट। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टिकर्स ये कुछ अलग है, ये लाइक पफी स्टिकर्स जैसा ही है बट नॉट लाइक पफी स्टिकर्स, बट ये थोड़ा सा अलग है। और ये भी शायद आई थिंक से 20 रुपीज़ में है, या ये 20 रुपीज़ का है, बट ये कुछ लुक में थोड़ा डिफरेंट दिखेगा आपको ऐसा। तो मुझे आई लव पेरिस, तो इसीलिए मैंने लिया था, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी मुझे इसमें लगी तो मैंने इसे बाय कर लिया, सो इट्स रियली नाइस। और नेक्स्ट मैंने एक वॉशी टेप, ऑब्वियसली मैं वॉशी टेप की आई जस्ट लव इट, तो मैंने कुछ ऐसे पैटर्न्स के, ये एक्चुअली पेपर वॉशी टेप है, 5 mm 20 mm ऐसे दिया हुआ उसका साइज, एंड आई लव इट। आइए इसे ओपन करके देखते हैं कैसी है। मैंने इसे ओपन कर दिया है, तो ये कुछ इस तरह से है और काफ़ी अच्छे फ्लावर्स है, ये पेपर की टेप है
तो इससे मैं ओपन करके देखती हूँ, एंड ऑलरेडी ओपन है ये। सो ये अच्छी है, लाइक आप इसे पेपर पे इस तरह से स्टिक कर सकते हैं, एंड इट वॉज काफ़ी कूल कलर है, लाइक ब्लू पिंक सब मेरे फेवरेट ही कलर है, एंड दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट येलो। सो फिलहाल इतना ही। एक और लास्ट चीज़ मैंने खरीदी, जो ऑब्वियसली ये पेपर्स कुछ मैंने खरीदे हैं A3 साइज़ के, तो ये एक शीट मुझे 5 रुपीज़ की पड़ी है और ये A3 साइज़ के हैं, जो मैंने अभी फ़िलहाल DIY प्रोजेक्ट के लिए लिया है, और मैं ज़रूर बताऊंगी कि वो प्रोजेक्ट क्या है। तो मेरे वीडियो देखना मत भूलिएगा गाइज, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप देख सकेंगे। सो लेट्स कलीव नाउ गाइज, बाय बाय।